लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पांचवें चरण के लिए वोटिंग होने हैं। इससे पहले सभी दल अपने उत्तर प्रदेश में अपने समीकरण साध रहे हैं। महागठबंधन के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष तौर पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने की बात कही। अखिलेश यादव ने मायावती का नाम लिए बगैर कहा कि गठबंधन ही इस बार देश को नया प्रधानमंत्री देगा। हम तो चाहेंगे कि देश की आबादी से कोई भी पीएम बने, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अखिलेश ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला समर्थन सपा का होगा। अखिलेश यादव का बयान पीएम मोदी के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने सपा पर मायावती के पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसा कहा। यूपी के प्रतापगढ़ में शनिवार को पीएम मोदी ने चुनावी रैली मंच से अखिलेश यादव पर वो गरम दिखे, लेकिन मायावती के लिए नरम रुख अपनाए। पीएम मोदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर मायावती को धोखा दे रही है, जिसके बाद यूपी की सियासत में पीएम मोदी के इस बयान के मायने निकाले जाने शुरू हो गए। वहीं कांग्रेस ने यूपी की कुछ सीटों को छोड़कर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीते दिनों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था कि कांग्रेस के उम्मीदवार कई सीटों पर जीत रहे हैं, तो वहीं कुछ सीटों पर बीजेपी के वोट काटने का काम कर रहे हैं।